सबसे कॉमन सिम्टम जो होगा वो होगा मिस्ड पीरियड। मिस्ड पीरियड जो है ये सबसे फर्स्ट सिम्टम माना जाता है प्रेगनेंसी का। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में। बहुत सी लेडीज़ को प्रेगनेंसी कंफर्म करने में दिक्कत आती है, टेस्ट करने से पहले उन्हें पक्का नहीं पता होता कि क्या वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉमन साइंस के बारे में बात करूँगी जो अगर आप अपने अंदर नोटिस करेंगे, कुछ ऐसे चेंजेस को अगर आप अपने अंदर नोटिस करेंगे तो आप अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं। सबसे पहला साइन जो आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा वो है फूड क्रेविंग्स। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो इनिशियल जो फेज़ होता है उस फेज़ के दौरान आपके अंदर फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आपका जो टेस्ट होता है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है जो लेडीज़ लकी हों उनको फूड में चेंज ना दिखे, लेकिन आम तौर पर फूड क्रेविंग्स या फिर फूड के टेस्ट में बदलाव जो होता है ये बहुत ही कॉमन साइन होता है प्रेगनेंसी का। आपके जो मुँह का स्वाद होता है वो मेटालिक सा हो जाता है, आपका मुँह हमेशा कड़वा कड़वा सा रहना स्टार्ट हो जाता है। आपको सोप की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। हो सकता है कि आपको प्याज या फिर आपको लहसुन की स्मेल जो है वो चढ़नी स्टार्ट हो जाए। आप एक मिनट भी प्याज या लहसुन की स्मेल को बर्दाश्त ना कर पाए। और हो सकता है कि कुछ चीज़ों की स्मेल, कुछ चीज़ों की फ्रेगनेंस आपको आपके मूड को एकदम से लाइटन अप कर दे। बहुत सी लेडीज़ को कुछ पर्टिकुलर सोप्स या फिर कुछ जो पर्टिकुलर फ्लावर्स होते हैं उनकी जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा लाइटन अप करती है। इसके अलावा बहुत सी लेडीज़ को कॉफ़ी जो है वो अजीब सी लगने लग जाती है। उनको कॉफ़ी का टेस्ट जो होता है वो एकदम से चेंज लगना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको पक्का नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, तो आप देखोगे कि एकदम से कुछ चीज़ों का स्वाद आपके लिए एकदम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक कॉमन साइन है प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए कि आपके जो फूड क्रेविंग्स हैं वो एकदम से चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके मुंह का स्वाद कड़वा होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेंगी और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बेकार लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, फूड क्रेविंग्स होती हैं या फिर कुछ फूड्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो दैट मीन्स ये एक कॉमन साइन है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट जो कॉमन साइन होता है प्रेगनेंसी का बिफोर पीरियड्स या फिर पीरियड्स मिस होने से पहले जो आप देख सकते हो अपने अंदर बदलता हुआ, अपने अंदर एक बदलाव जो आप देख सकते हो वो है अपने मूड में बदलाव। मूड स्विंग्स जिसे हम कहते हैं वो एक बहुत कॉमन साइन होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होता है और उस ब्लड फ्लो के इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन के जो हार्मोन्स होते हैं उनका फ्लो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इन हार्मोन्स का फ्लो हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे मूड को अफेक्ट करता है। आप देखोगे कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो और दूसरे ही पल एकदम से आप अपने आप को अपसेट फील करने शुरू हो जाते हो। आपको नॉर्मल चीज़ों पे भी गुस्सा आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये फ्रूट यहाँ क्यों पड़ा है, ये यहाँ क्यों खड़ा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, एकदम से आपके साथ मूड में आपको चेंज आपको देखना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा भरने स्टार्ट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने स्टार्ट हो जाओगे। अगर आपको कोई बात बुरी लगेगी, हो सकता है कि एकदम से आप रो दो या आपको एकदम से कोई बात पिंच कर जाए, और एक तरफ अगर आप देखो अपने आप को तो आप किसी भी चीज़ पे एक पल में ही खुश भी नज़र आने शुरू हो जाओगे। तो मूड स्विंग्स जो हैं वो प्रेगनेंसी का एक अर्ली सिम्टम भी होते हैं। अगर आपके अंदर ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अगर बार बार आपका मूड चेंज हो रहा है, एक पल में कुछ और दूसरे पल में ही कुछ, तो हो सकता है कि ये एक अर्ली साइन हो प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट कॉमन साइन जो प्रेगनेंसी का होगा वो होगा ब्लोटिंग। आपके स्टमक में ब्लोटिंग एक बहुत कॉमन चीज होने स्टार्ट हो जाएगी। आप देखोगे कि वेस्ट लाइन जो है वो आपकी चेंज हो रही है, आपके जो क्लॉथ्स हैं वो धीरे धीरे टाइट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कपड़े टाइट हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका पेट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया है।
पेट तो नॉर्मल इनिशियल स्टेज में बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, फर्स्ट मंथ हो हमें जो हमारे बेली एरिया है उसमें एज सच कोई बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा इस दौरान स्लो हो जाएगा, और इस स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो उन हार्मोनल चेंजेस और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से आपका जो पेट है वो भरा भरा रहेगा, जिसकी वजह से आपको दबदबा महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आपके क्लोथ्स भी टाइट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सो बर्पिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और ब्लोटिंग जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो पीरियड मिस होने का समय है वो थोड़ा दूर है और फिर भी आपको ब्लोटिंग सा महसूस हो रहा है और आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये एक सिम्टम हो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम जो इनिशियली आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान देख सकते हो, एक इनिशियल सिम्टम जो होता है प्रेगनेंसी का, वो होता है कि जो आपका ब्रेस्ट, जो आपकी ब्रेस्ट्स हैं उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस इनिशियली आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपकी ब्रेस्ट स्वोलन रहनी शुरू हो जाएंगी, ब्रेस्ट के अराउंड नीली नीली सी वेन्स आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो आपकी ब्रेस्ट पे निप्पल्स हैं उनके अराउंड आपको छोटे छोटे से डॉट्स विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भारीपन आपकी ब्रेस्ट में आपको महसूस हो सकता है, आपको अपनी ब्रेस्ट का साइज चेंज होता दिख सकता है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम जो एक प्रेग्नेंट लेडी को आमतौर पर देखने को मिलता है वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी के इनिशियल फेज में हमारी जो किडनी का फंक्शन होता है वो डबल हो जाता है, किडनी को हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसकी वजह से जो यूटरस है उसके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो यूरिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, आपको हर थोड़ी देर में वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको अगर आप कुछ खा रहे हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपको ब्लोटिंग हो रही है जिसकी वजह से आपको वॉशरूम फिर से जाना पड़ता है। तो यूरिनेशन जो है ये एक बहुत कॉमन सिम्टम जो होता है प्रेगनेंसी का वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करने जाना पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम जो होता है प्रेगनेंसी का वो होता है फटीग। फटीग मीन्स कि आप ओवर एग्जॉस्टेड फील करते हो, आप थोड़ा सा भी काम करते हो आपको थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है, आप थोड़ा सा भी काम करते हो आपका मन करता है कि आप रेस्ट कर लो, आप कुछ भी ओवर करने की कोशिश करते हो अपनी लाइफस्टाइल से ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि लाइफस्टाइल में जो आप कॉमन चीज़ें पहले कर रहे थे वो भी आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो अपने इस फेज़ में, दैट मीन्स ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है। सो अगर आप ओवर एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, अगर आप बार बार थका हुआ महसूस कर रहे हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। नेक्स्ट कॉमन साइन जो प्रेगनेंसी का होता है वो होता है नोसिया या फिर मॉर्निंग सिकनेस, जो एक कॉमन बात है, आपने सुना भी होगा बहुत सी लेडीज़ को अपने इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में नोसिया या फिर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं भी होती। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अपना, मुझे मॉर्निंग सिकनेस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये सिम्टम जो था ये मेरी प्रेगनेंसी फेज में मैं नोटिस नहीं कर पाई अपने अंदर, लेकिन बहुत सी लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस, आई मीन 75% लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस रहता ही रहता है। मॉर्निंग सिकनेस में होता क्या है कि आप कुछ भी खा रहे हो आपको वॉमिट करने का मन करता है, आप कुछ भी खा रहे हो आपको आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप सो के उठते हो आपका मुँह कड़वा हो रहा है, आप सोने जाते हो आपको वॉमिट करनी है, आप कुछ वॉक करते हो आपको वॉमिट करनी है, आप कुछ भी सोचते हो आपको वॉमिट करनी है, मीन्स वॉमिट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस नौसिया जो है ये आपके आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉमन चेंज आपको नोटिस करने को मिलेगा अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे एंड अभी तक आपको कंफर्म नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस या फिर नौसिया की प्रॉब्लम कॉमनली अपने अंदर देखने को मिल रही है, दैट मीन्स कि ये प्रेगनेंसी का एक सिम्टम हो सकता है। अब मैं बात करूँगी तीन ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि होते ही प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए हैं। दैट मीन्स सबसे कॉमन सिम्टम जो होगा वो होगा मिस्ड पीरियड।
मिस्ड पीरियड जो है ये सबसे फर्स्ट सिम्टम माना जाता है प्रेगनेंसी का। अगर आपका पीरियड जो है 10 से 15 दिन ऊपर हो गया है, दैट मीन्स आपका जो पीरियड साइकिल था वो रेगुलर था, और रेगुलर पीरियड साइकिल होने के बावजूद आपका पीरियड 10-15 दिन ऊपर निकल चुका है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है प्रेगनेंसी का। तो आपको तुरंत से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने अंदर होते हुए चेंजेस और सिम्टम्स को नोटिस करना चाहिए ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म करें। अब बात करते हैं जिनका पीरियड जो है वो पहले से ही इरेगुलर था। बहुत सी लेडीज़ हैं जिनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, तो वो ये समझ नहीं पाते कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ के इरेगुलर पीरियड्स जो है वो हार्मोनल चेंजेस या फिर एज फैक्टर की वजह से होते ही हैं। हिस्ट्री ही उनकी ऐसी होती है कि उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। तो ऐसे में अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं और फिर भी आपका पीरियड जो है वो अभी तक नहीं आया है, दैट मीन्स कि मान लीजिए आपका जो पीरियड था वो 20th ऑफ एनी मंथ है और नेक्स्ट मंथ के 5-6 डेज भी निकल चुके हैं ऊपर, 20th से भी ऊपर 5-6 डेज निकल चुके हैं, तो आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके या फिर अपने अंदर हो रहे चेंजेस को नोटिस करके ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम जो होता है प्रेगनेंसी का वो होता है इंक्रीज इन योर बेसल टेम्परेचर। जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको इनिशियली अपने अंदर जो चेंज देखने को मिलता है वो होता है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम जो होता है प्रेगनेंसी का वो होता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव होम प्रेगनेंसी टेस्ट। जिन लेडीज़ का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ये श्योरिटी है कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर आपने घर पर टेस्ट किया है अपने मिस्ड पीरियड के बाद और आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आप प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा आपको अपने अंदर हो रहे सिम्टम्स, अपने अंदर हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट का पता लग पाए। तो ये थी एक वीडियो जो कि आपको बता सकती है घर बैठे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। Till then, stay healthy and stay fit.